फेसबुक का एक टूल होता है एड लाइब्रेरी, एड लाइब्रेरी का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने एड लाइब्रेरी के बारे में सुना है? मैंने सर मैंने भी मैं यूज भी करता हूँ। बहुत अच्छा ही है। अच्छा, यूज भी करते हैं आप? जैसे सर फेसबुक में हम हमारे कॉम्पिटिटर की एड दे सकते हैं, उस तरह गूगल में कोई ऐसा टूल है जिसमें हम एड देख सकते हैं कॉम्पिटिटर की? डिस्प्ले एड चलते हैं ना, और बाकी जितने भी एड चलते हैं, वीडियो एड चलते हैं, वो सब तो अपन नहीं देख पाते, लेकिन सर्च एड वगैरह देखने का टूल होता है जो अपने कौन सा होता है। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। हाँ, तो ये जो लिखा ना एशरेफ्स, हेलो एशरेफ्स से अपन देख सकते हैं दूसरों के सर्च एड। और एक और टूल होता है सेमरश, सेमरश ये वाला, ठीक है, सेमरश में भी अपन दूसरों का एड देख सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि पेड टूल है तो बहुत महंगे भी पड़ते हैं। बाकी यही तरीका है देखने का दूसरों के एड गूगल के, अगर देखने तो। फेसबुक ने अपनी तरफ से खुद का बता रखा है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि अपन को गूगल पे सर्च करना होता है एड लाइब्रेरी। एड लाइब्रेरी हम सर्च करते हैं तो ये आता है एड लाइब्रेरी फेसबुक, ठीक है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करके हम पहुंच जाते हैं एड लाइब्रेरी के पेज पे। एड लाइब्रेरी के पेज पे आने के बाद हम यहाँ पे कैटेगरी में जाके ऑल एड्स को सिलेक्ट करते हैं। आपको इंडिया लेवल के एड देखने तो इंडिया, नहीं तो दूसरी कंट्री के देखने हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड देखने तो भी वो अपन सिलेक्ट कर सकते। अभी देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमारा एक क्लाइंट है जो कि ई कॉमर्स, उसकी वेबसाइट है, और ई कॉमर्स की वेबसाइट पे वो गिफ्ट वगैरह के आइटम बेचते हैं, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट बेचते हैं, ठीक है। तो उनकी गिफ्ट में क्या क्या आइटम रहते हैं? उनकी गिफ्ट में एक कप आता है जिसपे फोटो छपी रहती है, ठीक है। उनके गिफ्ट में फोटो फ्रेम रहते हैं, ऑयल पेंटिंग रहती है, ऐसे अलग अलग तरीके के गिफ्ट रहते हैं। और जो हमारा क्लाइंट है उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो इस तरीके से गिफ्ट वगैरह बेचते हैं, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट। मैं आपको थोड़ा दूसरी वेबसाइट पे दिखाता हूँ, जैसे अपन ने यहाँ लिखा तरीके से पर्सनलाइज्ड गिफ्ट लिखते हैं अपन, तो इमेजेस में जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से बहुत सारे गिफ्ट चल रहे हैं आजकल मार्केट में। अपन को वैसे एड तो नहीं दिख रहा है जैसे अपन चाह रहे हैं पर्सनलाइज्ड वाले, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं पर्सनलाइज्ड गिफ्ट। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो एक ये चल रहा है स्पेशल ऑफर फॉर ओनली स्टूडेंट्स, ठीक है, टीचर्स डे के लिए ये पर्सनलाइज्ड टीचर के लिए गिफ्ट दे सकते हैं, इस तरीके से इन्हें बनाया हुआ है। और अपन नीचे जाके देख सकते हैं किसी का अगर अपन को गिफ्ट दिख रहा है तो, ये देखो इस पे नाम लिखा हुआ है कैंडिडेट का वर्ण। अब अपने को क्या करना है, जब भी हम एड लाइब्रेरी में आते हैं तो एड लाइब्रेरी में आप आके एक चीज ये कर सकते हो कि जैसे अगर आप किसी ब्रांड को जानते हो और आपको पता है कि वो अच्छा एड चला रहा है तो डायरेक्ट आप उस ब्रांड पे जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया था आज, ये बिट्टू बुट्टी स्टोर, ठीक है, ये बुट्टी स्टोर अच्छा एड चला रहा है, तो हम बुट्टी स्टोर के पेज पे जा सकते हैं एड लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे हमको बुट्टी स्टोर के जितने भी एड चल रहे हैं वो हमको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको जैसे ही एड दिख जाते तो आपको यहाँ पे एड कॉपी भी दिख जाती, सरप्राइज योर लव्ड वंस विद दिस स्पेशल कलरफुल मास्टरपीस, और जो भी लिखा है डीजी पेंटिंग बुट्टी स्टोर, ठीक है। और ये इनके एड, और इस एड के अंदर कितनी फोटो है ये भी आपको दिख जाएगी, और नीचे क्या क्या लिखा हुआ ये भी आपको दिख जाएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ ये भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है कि किसी का एड आपको किस तरीके से यूज करना है। अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि अच्छा एड है तो आप यूज कर सकते हो, लाइन उनकी कॉपी कर सकते हो। अब जैसे इनने जो इमेजेस वगैरह यूज करी है, इन इमेजेस को देख के भी आपको आइडिया लग सकता है कि यार मैं जो ऐड चला रहा हूँ और ये लोग जो ऐड चला रहे हैं ये काफी अच्छा चला रहे हैं, तो इनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखने वाली बात ये रहती है कि देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है लॉन्च्ड अगस्त 2022, यानी कि ये अगस्त के महीने में चले हुए ऐड है, ठीक है, या तो ये अभी भी चल रहे हैं या चला के बंद हो गए, ठीक है। अब अगर हम नीचे जाएंगे तो हमको जुलाई महीने के भी मिलेंगे, और नीचे जाएंगे तो जून महीने के भी मिल गए, और नीचे जाएंगे तो बस ये जून तक के ही है, ठीक है। तो जून तक के आपको ऐड दिख गए। अब मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी 2-3 महीने 4 महीने लगातार तब ऐड चलाता है जब वो ऐड अच्छा रिजल्ट देता है। कोई भी 2-3 महीने 4 महीने तब ऐड चलाता है जब वो ऐड अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब आप जितने पुराने ऐड को देखोगे उतनी ज्यादा संभावना है कि वो ऐड सक्सेसफुल ऐड है, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी वाला उसको इतने समय से चला रहा है, वो अच्छे रिजल्ट ला रहा होगा वो ऐड, जब भी वो ऐड को चलाया जा रहा है,
अगर वो ऐड अच्छा रिजल्ट नहीं ला रहा होता तो उस ऐड को इतनी देर चलाया भी नहीं जाता, इतने महीनों चलाया भी नहीं जाता, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज, कोई इंस्पिरेशन, कोई कॉपी, कॉपी इसको भी बोलते हैं जो यहाँ लिखा होता है ना, इसको हम ऐड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐड कॉपी भी बोलते हैं, कंटेंट भी बोलते हैं, बाकी ऐड कॉपी ज्यादातर बोलते हैं एडवर्टाइजिंग की वर्ल्ड में। क्या ऐड कॉपी लिखी हुई है, किस तरीके का ऐड यूज किया है, देखो यहाँ पे वीडियो ऐड है, ये तीनों वीडियो ऐड है, ये तीनों वीडियो ऐड जो है जून के महीने से चल रहे हैं, यानी कि ये अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं जब इतने महीने से चल रहे हैं। ये देखो मैं इसको प्ले करके बताता हूँ। यहाँ देखते हैं, ओके तो इस तरीके से हमने किसी कंपनी के पुराने ऐड को देखा। पुराना ऐड है इसका मतलब अच्छा चल रहा है, इसलिए वो अभी तक चल रहा है। अब उसमें हमने उसके वीडियो को प्ले करके उसकी फोटो को हम देख सकते हैं और उससे हमको आइडिया लग सकता है कि हमको खुद का ऐड में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कम्प्लीटली इसके जैसा बनाया जा सकता है तो आप बिल्कुल वैसा ऐड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है ऐड लाइब्रेरी का। एड लाइब्रेरी में जाओ, अगर आपकी ब्रांड आपको पता है कौन आपका कॉम्पिटिटर है तो उस कॉम्पिटिटर के पुराने एड्स में जाओ, पुराने एड्स का मतलब है कि वो सक्सेसफुल चल रहा है। दूसरा, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को नहीं ढूंढ पाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट कीवर्ड भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने किसी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिख दिया, अब मेरे को कंपनी नहीं पता, ठीक है, मेरे को मेरे कॉम्पिटिटर का नाम नहीं पता, तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कीवर्ड है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो उस कीवर्ड को यूज करने वाले जितने भी एड्स चल रहे होंगे वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं वापस से ऊपर जाता हूँ। अब आप देखो सितंबर महीना, यानी कि जो अभी चल रहा है, सितंबर महीने में कितने ऐड लॉन्च हुए हैं जिसके ऊपर ये वाला वर्ड लिखा हुआ है। ये भी गिफ्ट आइटम होता है, मोज़ेक फ्रेम। कितने लोग ऐड चला रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और आपको भी अगर ऐसे देखते देखते कोई ऐड ऐसा लगता है कि यार ये ज्यादा ध्यान खींच रहा है, इसका मतलब वैसा ऐड आप भी चला सकते हो, क्योंकि जब वो आपका ध्यान खींच रहा है तो संभावना है कि वो अच्छा ऐड होगा, दूसरों का भी ध्यान उसमें खींचेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इनने इस तरीके से बैनर बनाया हुआ है, तो आप भी इस तरीके से कॉपी कर सकते हो या इंस्पिरेशन ले सकते हो कि इस टाइप का ऐड मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। और नीचे जाओगे आप, अभी तो ये सेप्टेम्बर महीने का है, नया ऐड है, तो इनकी कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर आप और नीचे जाओगे, जैसे सेप्टेम्बर के नीचे हम आ गए, अगस्त में आ गए, अगस्त के और नीचे देखते हैं अगर लोड हो जाएगा तो, ठीक है, और भी लोड हो गया, और नीचे चले जाते हैं हम, जुलाई आ गया, जून आ गया, मई आ गया, दिसंबर आ गया, बहुत सारे आ गए, बहुत पीछे चले गए हम, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो ऐड लगे हुए हैं उनसे आप कॉपी भी ले सकते हो। गोल्डन मोमेंट्स नीड टू बी फ्रेम्ड, क्रिश्चियनिटी फोटो फ्रेम्स एट ऑफर प्राइस। तो इसका मतलब ये ऐड जो है बहुत लंबे से समय से चल रहा है और सक्सेसफुल होगा जब इतने लंबे समय तक चल रहा है ये, ठीक है। तो ये मेन चीजें होती हैं ऐड लाइब्रेरी से लेने की। आप ऐसे स्क्रॉल करके देख सकते हो, आप यहाँ से इनकी लाइन वगैरह अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती तो आप उठा सकते हो, ठीक है। आपको फोटो क्रिएटिव का स्टाइल अच्छा लगता है तो वो आप उठा सकते हो, नीचे का स्टाइल कुछ अच्छा लगता है तो उठा सकते हो। व्हाट्सएप ऐड चल रहा है, ये भी देखने वाली बात है, व्हाट्सएप ऐड चल रहा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ऐड चल रहा है, आप भी व्हाट्सएप ऐड चलाओ, ठीक है। नॉर्मल ऐड भी चल रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो ऐड है, इसको प्ले करके देखते हैं हम। तो आपने देखा इस वीडियो ऐड में कुछ नहीं था, बस एक फोटो था और म्यूजिक था और वो चल रहा था। ये क्राउजल ऐड चल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इंस्पिरेशन ले सकते हो, लिखना क्या है, क्रिएटिव कैसा बनाना है, वीडियो कैसा बनाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, ऑर्डर नाउ वाला ऐड चलाना है कि सेंड मैसेज वाला ऐड चलाना है, ये सारे आइडियाज आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आपका कॉम्पिटिटर कैसे ऐड वगैरह यहाँ पे चला रहा है, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक? जी सर, बहुत अच्छा जी सर। हाँ, अभी जिसको भी कोई भी डाउट है, कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, बताना है, तो अपना वीडियो चालू करके अपना सवाल रख सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ, बट वो अभी ऑर्गेनिक करता हूँ जैसे आसपास के एरिया को, बट मैं चाहता हूँ उसको डिजिटल करूँ। और मैंने एक जगह देखा था, एक ग्राफिक डिजाइन बंडल बिक रहा था, और वो उसका एक पीडीएफ फाइल थी, वो कह रहा था हमारे रिजर्व पे, उस पर मैंने बाय नाउ पे क्लिक करा, वो रिजर्व पे पे लेके गया। अब रिजर्व पे पे वो मैं कैसे अटैच करूँ कि मैं भी अपने डिजिटल प्रोडक्ट बेच पाऊँ और वहाँ से पेमेंट अपने बैंक में मंगा पाऊँ रिजर्व पे का? तो आपके क्या डिजिटल प्रोडक्ट है? जैसे कि अभी मैं कैनवा टेम्पलेट बेचता हूँ और
बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हो गए, फेसबुक ग्रुप लिंक हो गए, और ग्राफिक्स बंडल हो गए, ये सब। ठीक है, देखो रेजर पे के लिए आपको क्या करना है, आप गूगल पे लिखो रेजर पे, रेजर पे की हाँ वो मैंने, वहाँ पे अपना लॉग इन करो, वहाँ पे अपना सेटअप कर लो पूरा, अकाउंट अकाउंट डिटेल डाल के, फिर वहीं से आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। अब आप चला सकते हो अपना ऐड, चलाओगे आप व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे ऐड चला के आप सामने वाला आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हो, डिटेल दे सकते हो, वो बोलेगा कि मुझे चाहिए है, तो आप उसको अपने रेजर पे की लिंक दे सकते हो, या अपना फोन पे वाला नंबर भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं रेजर पे ही, फोन पे का बोलते भैया ये मेरा नंबर है, तू मेरे को इस नंबर पे पैसे भेज दे, मैं तेरे को ये PDF भेज देता हूँ, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो। अगर आपके पास ठीक है वेबसाइट भी है तो आप वेबसाइट में रेजर पे का इंटीग्रेशन कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कौन सी है और कैसी है, और ये सारी चीजों के लिए रेजर पे वाले आपकी पूरी हेल्प करें। देखिए संजय आपको कनेक्ट कहाँ से करना है, एक सेकंड होल्ड कीजिए, संजय आपको कनेक्ट कहाँ से करना है रेजर पे मेरे को? को अपना जो रेजर पे कनेक्ट करना है फेसबुक से, ऐड से, क्योंकि फेसबुक, मैंने आपको एक देखो वीडियो देखो बनाया था देखो, फेसबुक में सर। हाँ, तो मैं हाँ आपको जी बता रहा हूँ, फेसबुक एड से रेजर पे कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, इसमें इंस्टा मोजो कर लो, इंस्टा मोजो सही रहेगा। हाँ नहीं देखो, इसमें दूसरी इंस्टा चीज मोजो होती भी है, ट्राई किया। उसमें दूसरी चीज होती है, आप रेजर पे पे अकाउंट बनाओगे, रेजर पे पे आप एक लैंडिंग पेज बनाओगे, ठीक है, उस पे आप एक ठीक है पेमेंट पेज पर, बनाओगे, वो पेमेंट पेज की जो ठीक है लिंक है सर, वो आप अपने फेसबुक ऐड में डाल सकते हो, तो जब भी कोई आपके फेसबुक ऐड पे क्लिक करेगा तो वो रेजर पे के लैंडिंग पेज पे चला जाएगा, पेमेंट पेज पे, जहाँ पे उसको ये डिटेल मिलेगी कि ये प्रोडक्ट है, ये इसका प्राइस है, ये इसका डिटेल है, और आप पे करो, ठीक है सर, ठीक इतना सिंपल सा काम है, है कोई बहुत कठिन नहीं है, सर। और ये पूरी प्रोसेस में आपको रेजर पे वाले हेल्प कर देंगे। सर मुझे क्या करना है, फेसबुक से कॉल ट्रैफिक जनरेट करना है। हाँ व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है ना जो, फेसबुक से वो करनी है, तो वो उसका सही सेटअप कैसे होगा? तो आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको कोल्ड ट्रैफिक किस चीज का जनरेट करना है? हेल्थ हेल्थ प्रोडक्ट है सर मेरे अपने, उसी प्रोडक्ट को मुझे सेल करने के लिए पहले मुझे कंसल्टेंसी वाली व्हाट्सएप बनानी है, मतलब कि उसमें फ्री कंसल्टेशन होगा, एक डॉक्टर बैठा होगा, उसके हाथ में नंबर होगा, तो वो जो क्लाइंट आएंगे, वो कस्टमर जो देखो आएंगे, एक वो सेकेंड, फिर डायरेक्ट। हाँ थोड़ा जो आपका टॉपिक है ना हेल्थ से रिलेटेड, आपको कंसल्टेंसी देनी है, तो उसके लिए जब आप ऐड चलाओगे ना फेसबुक पे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फेसबुक आपके ऐड को ब्लॉक कर देगा और आपके पेज को भी बैन कर देगा, बहुत ज्यादा उसकी चांसेस। उसकी वजह ये है कि उनकी ये पॉलिसी होती है फेसबुक, मान लो। अच्छा आपके काय के कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट हैं आपके? सर हमारे प्रोमेन हर्बल्स के नाम से एक कंपनी है, उसके मल्टी प्रोडक्ट है। लेवल मार्केटिंग है, तो देखो फेसबुक वगैरह इन सब चीजों में उनकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। पहली बात तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का, जैसे उनको हिंट लगेगा वो आपके पेज को बैन कर देंगे। दूसरी बात, अगर आप कोई भी हेल्थ रिलेटेड बात करोगे, जैसे कि आपके पास अगर कोई ऐसी दवाई है जिस जो बोलती है कि भैया इससे डायबिटीज कंट्रोल होती है, ठीक है, तो आप कुछ भी अगर ऐसी चीजें लिखोगे डायबिटीज से रिलेटेड, तो फेसबुक का ऐसा कहना है कि भैया सामने वाले को डायबिटीज है, ये तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब तुम पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा कह के वो आपका पेज ब्लॉक कर देगा। तो हेल्थ के रिलेटेड ये इशू आएगा, आप उसकी जगह दूसरी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कोल्ड ट्रैफिक नहीं ला पाओगे। और मल्टी लेवल मार्केटिंग करने के लिए फेसबुक एड्स में मैंने किसी को भी सक्सेसफुल होते तो नहीं देखा, क्योंकि तो उसमें सर बहुत अगर हम दूसरी कौन सी मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए, तो आप खुद ही मिलो, बात करो लोगों से, या तो फिर आप अपने वीडियो बनाओ और अपने वीडियो बना के चीजों को सर वो एक्सप्लेन तो करो। हाँ तो मतलब एक वीडियो नहीं, फिर वो है, बहुत सारे नहीं कंटेंट बनाओ, जैसे मैंने मेरे कोर्स में बहुत सारे वीडियो बना सर रखे हैं। हमारा, सर मेरा चैनल को 1 मिलियन प्लस का है YouTube का। अब हम सोचते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग पे कुछ करा जाए, उसको उस पर काम किया जाए, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि हम हेल्थ से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं फेसबुक पे या नहीं, नहीं, हेल्थ से रिलेटेड या एडवर्टाइजमेंट कुछ और ना, आपके तो आप देखो ऐसा कर सकते हो, पहले कोई बहुत, आप मेरी बात सुनो, आप ऐसा कर और? सकते हो कि पहले आप बहुत सारे वीडियोस डाल सकते हो, और वीडियोस जब आप डालोगे अपने किसी चीज को लेके, तो फिर आप उन लोगों की ऑडियंस बना सकते हो जिन लोगों ने आपके वीडियोस को देखा है ज्यादा, ठीक है, फिर आप उन लोगों के लिए ऐड चला सकते हो कि कंसल्टेशन या फ्री कंसल्टेशन रिगार्डिंग वेलनेस और वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इसमें आपने हाँ किसी सर भी बीमारी यही, की बात नहीं करी है ना,
स्वस्थ काया की बात करी, इस तरीके से तो भी चांसेस रहते हैं ब्लॉक होने के, लेकिन आप फिर भी ऐसा कर सकते हैं। सर ये जैसे ये मैं कोर्स जैसे कंप्लीट मेरा कंप्लीट होता है तो सर उसके बाद एक तो है सर कि जॉब का, और एक है सर कि मुझे कोर्स से सीखने कोर्स करने के बाद मुझे कितना आया कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर पाऊँ। सर थोड़ा मुझे इसमें क्लियर कर दीजिए, मतलब मेरे माइंड में डाउट है सर थोड़ा, मतलब कि देखो मैं कितना सीख पाऊंगा इससे रिलेटेड मुझे थोड़ा डाउट है सर। देखो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो कोर्स है ना ये है बहुत बड़ा कोर्स, ठीक है जी सर। आपको ये कोर्स पूरा देखने के बाद ये सोचना पड़ेगा कि आपको इसमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर अपने को ज्यादा सीखना है, ठीक है। फिर उस टॉपिक को आपको दोबारा देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप उस टॉपिक को दोबारा देख के प्रैक्टिस करोगे तब आपको खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे कितना इसमें समझ में आया और कितना नहीं आया, ठीक है। फिर उस स्टेज पे जब आप आ जाओगे उस स्टेज पे फिर आप कांटेक्ट करना, तब अपन उसके आगे की स्थिति समझेंगे या उस लेवल पे आपका क्या चल रहा है उस हिसाब से समझेंगे। ई-कॉमर्स की वेबसाइट शॉपिफाई में सही रहेगी या वर्डप्रेस में? तो शॉपिफाई भी अच्छा है, वर्डप्रेस भी अच्छा है। अच्छा है कि अगर आपका ज्यादा दिमाग चलता है और आपको वर्डप्रेस करते आता है तो आप वर्डप्रेस कर लो, क्योंकि उसमें फिर ज्यादा कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप एक साधारण आदमी हो और आपको ई कॉमर्स का काम करना है, तो आप चुपचाप अपने शॉपिफाई पे बैठे रहो। अभी आपको क्या आता, आपको आती कोडिंग वगैरह? हाँ कोडिंग वगैरह आती है। अभी देखो कुल मिला के ऐसे जैसे बिगनर लेवल पे है ना शॉपिफाई ठीक रहता है, लेकिन अगर आप वैसे ही थोड़े टेक्निकल हो, आपको लैंग्वेज वगैरह भी समझ में आती है, अगर आप खुद से बहुत सारी चीजें कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर, तो फिर अधिकतर लोग क्या है फिर वर्डप्रेस ही चलाते, तो कि क्या उसमें क्या होता है बहुत सारे कस्टमाइजेशन अपन कर पाते हैं। शॉपिफाई में क्या बहुत सारे कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते, अलग अलग प्लगइन डालना पड़ता है, उसमें फिर कॉस्टिंग वगैरह भी बढ़ती है। तो अगर आपको खुद कुछ करते आता है तो आप वर्डप्रेस करो, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप शॉपिफाई करो, ऐसा है, सिंपल सी बात है। हाँ नरेश जी बोलिए। हाँ सर हमारा ऐसा बिजनेस है कि हम ऐसे इंडिया से कैंडिडेट खोजते हैं जो आउट ऑफ इंडिया जॉब करने के इंटरेस्टेड हो, ठीक है सर। उसके लिए मैं एड बना रहा था, तो उसमें लीड मैग्नेट क्या डालना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप जरा गाइड कर सकते हैं प्लीज, लीड मैग्नेट में क्या चीज दूं मैं? देखो लीड मैग्नेट का मतलब हुआ आपको सामने वाले का चाहिए नाम नंबर ईमेल आईडी, ठीक है जी। और सामने वाला आपको नाम नंबर ईमेल आईडी क्यों दे, आपको उसको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिसके लिए वो आपको नाम नंबर ईमेल आईडी दे। उदाहरण के तौर पे आप उसको बोल सकते हो 1000 jobs in 100 categories, ठीक है, डाउनलोड कंप्लीट जॉब पोर्टल पीडीएफ, और इस तरीके से वो डाउनलोड करने के लिए अपना नाम नंबर ईमेल आईडी आपको दे देगा। या तो फिर लेकिन मेरे पास तो वो 1000 jobs है नहीं कुछ भी। अरे मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, झूठ नहीं सकता है ना। नहीं नहीं मैं उदाहरण तो झूठ थोड़ी ना बोलने को बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो चीज आपके पास हो ऐसी जो उसको काम की हो, तो उस काम की चीज के लिए वो आपको नाम नंबर देगा। जैसे कि अगर आपको अगर मान लो आपको कोई तरीका पता है बाहर जॉब करने का, तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो 3 easiest ways to get job abroad to know more download this PDF, और वो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको नंबर दे देगा, आप उसके नाम नंबर ईमेल आईडी ले लेना, ठीक है। और वो आपकी PDF आपको ब्लैंक भी नहीं देनी है, उसमें कुछ देना भी है नहीं तो वो रिपोर्टिंग होगी तो आपका एड बंद हो जाएगा। ऐसा मतलब आपके पास कुछ तो ऐसा होगा जो एक बेरोजगार आदमी जो बाहर के सपने देख रहा है उसके काम का है, वो बात उसको बता दो, उसकी एक PDF बना लो, उसका एक कोई वीडियो बना लो, उसका कोई एक छोटा सा कोर्स बना लो, या उसकी कोई लिस्ट बना लो, कुछ भी ऐसी चीज। जैसे कि आपने मेरे कोर्स में वो देखा होगा कि मैं दूसरे तीसरे वीडियो में बोलता हूँ कि टूल शीट डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे जाओ, जी 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 जी, है ना। फिर वो टूल शीट डाउनलोड करने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो फिर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे फेसबुक पे जाके टूल लिखो, फिर आप वहाँ मेरे फेसबुक पे जाते हो और वहां पे जाके आप डाउनलोड करते हो। तो देखो मैंने आपसे क्या क्या काम करवाया, आपसे मैंने मेरा नंबर व्हाट्सएप आपके व्हाट्सएप में मेरा नंबर सेव करवाया, फिर उसके बाद मैंने आपको मेरे फेसबुक पेज पे भी भेजा। आप इतना मेरे पीछे पीछे क्यों गए? क्योंकि मैंने आपको एक सपना दिखाया कि मैं आपको एक टूल शीट दूंगा, और वो टूल शीट के अंदर टूल्स के लिंक भी रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि झूठ है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आप भी उनको दे सकते हो जिसके लिए वो आपका आपको नंबर या ईमेल आईडी दे सकते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई सर ये क्रिएटिव के लिए सर ये कैनवा ही अच्छा है या कोई और दूसरा भी है? अभी सस्ते वैसे तो कैनवा पे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से बन जाती है, तो कैनवा बहुत अच्छा है, ठीक है, स्टार्टिंग के हिसाब से।
जब आपको और बहुत एडवांस जाना तो फिर आप दूसरे पे जाओ, लेकिन आपसे बन जाना चाहिए कैनवा पे अच्छे से। ऐसा कॉल बटन नहीं आता है क्या, कॉल नाउ करके एड्रेस में नहीं आ रहा है क्या आजकल, जो बटन आता है नीचे एक सब्सक्राइब या कॉल, वो सब आज दिखा नहीं मैंने, आज एड क्रिएट किया था तो बटन आजकल आता नहीं है क्या वो? नहीं आता भी है नहीं भी आता है, वो आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव रखा है उसमें वो कॉल के बटन अलाउ है कि नहीं। अगर बटन अच्छा। नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट फेसबुक पे लिखो कॉल ऐड करके, तो फेसबुक पे जो इंस्ट्रक्शन आएंगे वो आपको बता देंगे कि कॉल ऐड कैसे क्रिएट करना है। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है सर? हाँ रचना बोलिए। सर जैसे मेल मार्केटिंग में हमारे पास एक मेल है तो उसे हम एक साथ मतलब कितने लोगों को सेंड कर सकते हैं? ये तो यार ईमेल मार्केटिंग में आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? बेस तो आप जैसे सर आपने ना, हाँ आपने वीडियो में बताया तो वो जो एक्सेल शीट में हम उसमें मेल मतलब मेल आईडी फोन नंबर एड्रेस वगैरह लिखते हैं, तो उसके बाद जब मैंने उस मेल मैंने मतलब वहाँ पे काफी एक्सेल शीट में लिखा था वो CSV कुछ ऐसे फाइल का नाम था, लेकिन जब मैंने लास्ट में वो मेल सेंड की तो फिर वहाँ पे मुझे अलग से मेल टाइप करनी पड़ी थी कोमा डाल डाल के। तो वो आपने कौन से टूल में यूज किया था, मेलचिम में? हाँ मेलचिम में। हाँ तो देखो कोई बात नहीं, उसमें आपने कुछ मिस्टेक कर दी होगी इसलिए ऐसा हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो आप उसको बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो उसके हेल्प सेक्शन में जाके देखना कि बल्क में उसमें देखो ऐसा रहता है कि आप अब उनकी देखो पॉलिसीज चेंज होती रहती है, ठीक है? जरूरी नहीं कि आपके पास 10 लोगों के मेल हैं, आप 10 लोगों के मेल की लिस्ट उसमें डाल दो और 10 लोगों को मेल भेज दो। वो आपसे ऐसा भी पूछता है कि क्या ये 10 लोगों ने आपके मेल को एक्सेप्ट किया है कभी, मतलब उनने खुद दिया है जानबूझ करके और वो आपके मेल को स्वीकार करने के लिए रेडी है क्या, तो उसी केस में हम मेल भेज पाते हैं। तो उसमें कहीं कहीं एक दो जगह ऐसी कंडीशन आती है, और अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप हेल्प सपोर्ट में उनके टूल वालों से बात कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे कैसे मेल भेजना है, ठीक है? इसके बाद अब हम कल मिलेंगे, कल रात को 9 बजे आप अपने सवाल के साथ रेडी रहना, कुछ नए टॉपिक पे भी मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा।